चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश पर पालन करने के लिए एसडीओपी मनोहर सिंह गवली द्वारा कसरावत एसडीएम कार्यालय के मीटिंग हॉल में नगर परिषद प्रत्याशियों की मीटिंग आयोजित कर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पालन करने की बात कही है। मनोहर सिंह गवली द्वारा बताया गया कि नगरीय निकाय चुनाव के मतदान के दिन प्रत्येक अभ्यर्थी के द्वारा अपने लिए एक वाहन और अपने निर्वाचन अभिकर्ता अन्य अभिकर्ताओं के उपयोग के लिए एक अतिरिक्त अर्थात कुल मिलाकर केवल दो वाहनों का उपयोग किया जाएगा। अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए आवश्यक होगा कि मतदान के एक दिन पहले उपयोग में आए जाने वाले वाहनों की सूची मतदान दिन के दो दिन पूर्व संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत कर परमिट अनुज्ञा प्राप्त कर लें। यह परमिट वाहन की विंड स्क्रीन से प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपयोग में आए जाने वाले वाहन में मतदाताओं से लाना अथवा ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। सर, पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण निपट गए, आखिरी चुनौती है नगर परिषद, क्या तैयारी है सर आप लोगों की? नगरीय निकाय कसरावत चुनाव को लेकर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए, उसी तारतम्य में आज सभी प्रत्याशी जो उम्मीदवार हैं वो और उनके सहयोगियों की एक बैठक हम लोगों ने यहाँ रखी है। उसी को लेकर हम लोगों ने चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में सभी प्रत्याशी उम्मीदवारों को अवगत कराया है। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो इसके लिए आवश्यक जो दिशा निर्देश है उनसे अवगत कराया है। साथ ही किसी प्रकार से विवाद न हो उसके लिए हम लोगों ने पुलिस व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की है। सेटेलाइट मोबाइल हमारी उसमें लगेगी, साथ ही क्लस्टर मोबाइल रहेगी जो लगातार मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्रों का भ्रमण कर शांतिपूर्वक मतदान कराने में की व्यवस्था बनी है। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया कि कसरावत से? कसरावत का बल है, साथ में अतिरिक्त पुलिस बल रिजर्व में रहेगा जो आवश्यकता होने पर उन जगहों पर जहां पर आवश्यकता होगी बल का उपयोग किया जाएगा। और कोई संदेश देना चाहें? सभी कसरावत के हमारे निवासियों से अनुरोध है कि मतदान दिवस के रोज शांतिपूर्वक मतदान करें, किसी प्रकार का आपस में विवाद न करें, किसी प्रकार की कोई चीज़ सूचना आदि हो तो वो पुलिस और प्रशासन के साथ शेयर करें और उनकी कोई भी शिकायत का निराकरण हम लोग त्वरित रूप से करेंगे। सर, सभी प्रत्याशियों को कई दिशा निर्धारित किए गए? सभी प्रत्याशियों को इसी प्रकार से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मतदान दिवस के रोज जो है चुनाव आयोग के जो निर्देशानुसार किन किन चीज़ों का पालन करना है, 100 मीटर के बाहर भीड़ अनावश्यक न लगे, साथ ही अनावश्यक मतदान 100 मीटर के अंदर किसी भी उम्मीदवार के द्वारा किसी प्रकार के मतदाताओं से याचना नहीं की जाए। आज शाम से 5 बजे के बाद मतदान प्रचार प्रतिबंध हो जाएगा, उसके बाद किसी भी प्रकार से कोई प्रचार वगैरह न करें, इस संबंध में आवश्यक दायित्व उनको दी गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।